नमस्ते एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीयूटी सुपर ग्रेड्स बाय टॉप रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का सेशन हमेशा की तरह खास होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इनवर्स, है ना। इसके ऊपर हर साल आपको सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और यहां पर इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर आपको इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा तो इनवर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बट उस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, फिर आपके पास आता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो कि हम ऑलरेडी पहले के सेशन में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप पूरा जो सेशन मैंने लिया हुआ है उसको अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि यार अगर आपने एडजॉइंट आपको निकालना आता है, आपको डिटरमिनेंट निकालना आता है, तो इनवर्स सिर्फ एक टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, बट हमें ये ऑलरेडी आता है। हमें बस क्या करना है कि जो चीजें हमें पहले से मालूम है उसको बस एक फॉर्मूले के रूप में अरेंज करना है और इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो फॉर्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालकर उसे डिटरमिनेंट ऑफ ए से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा, आपका ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए 2 बाई 2 का कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी डी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, 2 बाई 2 का यानी कि 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी। आपको इसका ए इनवर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ये इसका डिटरमिनेंट है। और फिर आपको मालूम है कि 2 बाई 2 का जो मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट निकालना काफी आसान है। हमने क्या किया, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दिया, आप साफ साफ देख सकते हो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है या ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनको हमने नेगेटिव कर दिया, आप साफ साफ देख सकते हो। तो अगर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालना बहुत आसान था और उसको उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करना भी आसान था, ए इनवर्स निकल जाएगा। दिक्कत कहाँ आती है, जहां पर 3 बाई 3 का मैट्रिक्स होता है तो वहां पर एडजॉइंट निकालने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वहां पर आपको कोफैक्टर निकालना है, उसको अरेंज करके लिखना है, फिर उसका ट्रांसपोज देना है, तो थोड़ा सा लंबा मेथड है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा इनवर्स के जितने भी सवाल बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे, इनवर्स में बहुत सारे सवाल भी बनते हैं जहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। यही आज हम जानने वाले हैं, देखने वाले हैं और यही डर हम निकालने वाले हैं। बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे यहां पर कि भैया एवरी इनवर्स मैट्रिक्स पॉजिसेस ए यूनिक इनवर्स, एक यूनिक वैल्यू उसकी आएगी, मल्टीपल उसके वैल्यूज नहीं आ सकती, है ना, कि भैया इसका तो इनवर्स ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं, एक यूनिक इनवर्स निकलता है हर एक मैट्रिक्स का। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि अगर ए इनवर्स का इनवर्स लोगे तो आपको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, जैसे हम नेगेटिव का नेगेटिव करते हैं तो फिर से वही नंबर मिल जाता है, सेम वही प्रोसेस है कि अगर आप इनवर्स का इनवर्स लोगे तो आपको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। फिर पहली चीज ये कि हम जब इनवर्स निकालते हैं तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं और वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि उसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे और आप ये पाओगे कि अगर ये वैल्यू आपकी जीरो हो गई तो 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो 1/0 जो है वो अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, तो इसलिए आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा वो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट वो जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहां पर, ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आपको ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप ए का इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लो। मतलब अगर आप ए का इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो ये सेम वही है कि आपने ए का ट्रांसपोज लेकर उसका इनवर्स निकाल दिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ए बी दो मैट्रिक्स हैं, आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जाहिर सी बात है एक नया मैट्रिक्स मिलेगा आपको ए इंटू बी करने पर, और फिर आप उसका इनवर्स निकालते हैं तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा जब आप बी के इनवर्स को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले किसका, बी का इनवर्स, बाद में किसका, सी का इनवर्स। तो ये याद रखना है कि अगर यहां पर पी क्यू का इनवर्स आपको निकालना है तो ये पहले क्या आएगा, पहले आएगा क्यू का इनवर्स और बाद में क्या आएगा, पी का इनवर्स। तो पोजिशनिंग यहां पर
इंपॉर्टेंट है। इसको एज ए फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इसको अगर कोई बोलता है प्रूफ करो तो आपको प्रूफ करने के लिए भी सवाल पूछा जा सकता है। आपको ए मैट्रिक्स दे देगा, बी मैट्रिक्स दे देगा, और बोलेगा शो दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहाँ पर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करने पर जो आएगा वही रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर इसको अगर हम पलट देंगे तो क्या सही होगा, नहीं होगा। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू अलग आएगी, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ए के इनवर्स का अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो इससे अच्छा है कि आप ए का डिटरमिनेंट निकाल कर फिर उसका इनवर्स ले लो, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना, क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ चीजें अगर आपको पता होंगी तो आपका जीवन आसान हो जाएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं सवालों की। ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। आपसे बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स है 2x2 का और आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये मैट्रिक्स ए है और इसका मुझे इनवर्स निकालना है, तो मुझे वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है? -4 इंटू -5 यानी कि 20, -7 3 21। सॉल्व करने पे कितना आएगा? -1, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो -1 है। फिर मुझे मालूम है कि 2x2 का जो एडजॉइंट है वो निकालना बहुत आसान है, कि आपको इनको इंटरचेंज करना है। तो ये हो जाएगा आपका -5, ये हो जाएगा आपका -4, और इधर वाले जो एलिमेंट है उनको आपको क्या करना है? नेगेटिव करना है। तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आपका -7। अब ये जो -1 है ये अंदर चला जाएगा, अंदर जाएगा सबसे बात करेगा, तो ये बोलेगा 5 3 7 4, और ये आपने क्या निकाल दिया? इस गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल दिया। तो 5 3 7 4 मेरे हिसाब से आपका जो बी ऑप्शन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चमक गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आपको आई होप यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब जैसे आपके पास दिया हुआ है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 2 है, ए जो है वो 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे, 2 रोज 2 कॉलम्स होंगी, और आपको बोल रहा है 4A इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालो। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली में आपको डिटरमिनेंट नहीं निकालना है या ए इनवर्स नहीं निकालना है, एक्चुअली में आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अच्छा के ए होता अगर, तो यहां से जब के बाहर आता है तो वो पावर लेके आता है, और पावर जो एन होती है वो क्या होता है? वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, और फिर हम ए का डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। सेम वही चीज है कि अगर यहाँ पर 4A इनवर्स का डिटरमिनेंट हमें निकालना है तो 4 बाहर आएगा, बट 4 की पावर क्या आएगी? जो इसका ऑर्डर है यानी कि 2, और फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है आपको, तो इससे अच्छा है कि आप ए का डिटरमिनेंट निकालकर उसका इनवर्स ले लो, या हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो ये हो गया 16। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो हमें गिवन था 2, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? 8 आएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब आप देखो अभी आपने इनवर्स नहीं निकाला है, मतलब आपने ऐसा नहीं किया कि मैट्रिक्स आपको दिया है तो आपने उसके कोफैक्टर निकाले, फिर उसका ट्रांसपोज लिया, आपने अभी इतना मेहनत नहीं करी है, बट आप अभी भी इनवर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि इनवर्स में तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, मगर हर बार उसी टाइप का क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है। इनवर्स वहां पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, बट एक्चुअली में आपको उस प्रोसेस के दौरान गुजरना नहीं है, आपको कुछ दूसरे मेथड यूज करके उस सवाल का जवाब निकालना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2023 में ये सवाल आपसे पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब जैसे यहाँ पर सवाल है कि इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स आपको दिया है 3x3 का, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा दिख रहा है, फॉर विच ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब यहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो तभी करेगा जब उसका डिटरमिनेंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 λ -3 0 2 5 1 1 3 का जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आपको मालूम है कि साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं, तो साइन कन्वेंशन क्या है? प्लस माइनस प्लस। तो यहां से हमने 2 को उठाया, ये 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6, 1 5 जा कितना हो जाएगा? 5। माइनस लेमदा ले लिया, यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर हो जाएगा 0 × 3 0, -5 बन जा 5। उसके बाद फिर यहां पर आ जाएगा आपके पास कितना?
ये आपका -3 है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये आपका -3 आएगा, और जब आप -3 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 2 2, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा लैम्डा की किस वैल्यू पर, ये आपसे पूछा गया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। 6 में से 5 गया 1, 1 2 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 5 लैम्डा, इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 6, नॉट इक्वल टू 0। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 5 लैम्डा प्लस 8 नॉट इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू होगी नॉट इक्वल टू -8/5, यानी कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू चलेगी, बस -8/5 नहीं चलेगी, ठीक है, लैम्डा की कोई भी वैल्यू चलेगी बट -8/5 नहीं चलेगी। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये जो सवाल है ये एनसीईआरटी एग्जामिनर का सवाल है, ये आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे यहां पर है कि इफ ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इसलिए करता है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, बट उसने ये भी बता दिया कि ए का डिटरमिनेंट जो है वो 7 है, तो अच्छी बात है। अब वो बोल रहा है ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालो, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट जो होता है वो कुछ नहीं है, ए के डिटरमिनेंट का इनवर्स है, या आप ये बोल सकते हो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 7 है, तो ये 1/7 आएगा, सिंपल सरल आसान इजी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। फटाफट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पर बोल रहा है कि फाइंड एक्स वाई एंड जेड, इफ ए 3/3 का मैट्रिक्स है, उसमें एक्स वाई जेड आपको दिखाई दे रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू ही मांग रहा है, और बोल रहा है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, अच्छा सवाल है, और एक्चुअली बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो ये बोलते हैं अच्छा ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो आप पहले इसका ट्रांसपोज ले लो और फिर इसका इन्वर्स निकाल लो और दोनों को आमने सामने रख दो, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। वो बहुत लेंदी मेथड है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड है, ये रिड्यूस नहीं होगा, अगर ये नंबर होता तो ये रिड्यूस हो जाता प्लस माइनस होकर, ये एक्स वाई जेड है तो ये बहुत ही ज्यादा कंबरसम हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना था ध्यान से देखिए, आपने बोला सर ए इनवर्स या ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स आपको दिया गया, अब आप दोनों तरफ क्या करें, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा ए इंटू ए का इनवर्स। अब आपको मालूम है ए इंटू ए का इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो ये आपको क्या मिलेगा, आई मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आप पहले यहां पर ए लिखो जो कि आपको गिवन था, तो वो कितना था 0 2y z x y -z x -y z, ये आपके पास ए आ गया। अब ए का ट्रांसपोज लिख दो, ए का ट्रांसपोज यानी कि ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 2y z x y -z x -y z, और ये बराबर किसके, ये बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है, जिसके एलिमेंट्स होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर वो 3/3 का मैट्रिक्स है, अगर वो 2/2 का मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या लिखा, यहां पर लिखा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, बात खत्म हो गई। अब यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, आप ये सोचो कि भाई मुझे ये मालूम है कि ये 1 है, ये किस पोजिशन पर है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप इसका जो फर्स्ट रो है इसको इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 1, सिंपल है। तो आपने बोला सर 0 इंटू 0 तो 0 हो गया, 2y इंटू 2y तो 4y² हो गया, और z इंटू z तो z² हो गया, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसी फर्स्ट रो को इस सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे 0 इंटू x 0, 2y इंटू y 2y² और ये कितना हो जाएगा -z² इज इक्वल टू, सामने कितना है 0 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि 2y² जो है वो z² के बराबर है, तो आपके पास में y और z का एक रिलेशन आ गया, ठीक है। अगर मैं इस z² की जगह 2y² पुट कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4y² + 2y² यानी कि 6y² विच इज इक्वल टू 1, तो y² = 1/6 या y = +/-1/√6, क्या ये बात समझ में आ गई, y आ चुका है आपका। अगर आपका y आ चुका है तो आप यहां लिख सकते हो 2 इंटू y² जो कि 1/6 था,
इज इक्वल टू ये कितना था जेड स्क्वायर, तो ये 1/3 बन जाएगा। 1/3 क्या है आपका, जेड स्क्वायर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जेड आपको कितना मिलेगा, +-1/√3। तो ये आपके पास जेड भी आ गया, ये आपके पास एक्स भी आ गया, ये आपके पास वाई भी आ गया। तो अगर आपके पास जेड भी आ चुका है, वाई भी आ चुका है, तो आप एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट प्रोसेस आपको ये अपनाना था, ना कि ये कि आप ए का ट्रांसपोज लिखो, फिर ए का इनवर्स निकालने जाओ, और ए का इनवर्स निकालते निकालते बीच में आपको ख्याल आएगा कि भैया अगर ये सवाल मैंने किया और इस मेथड से किया जो आप करते हो, तो फिर इस सवाल के बाद में कोई दूसरा सवाल नहीं कर पाऊंगा। तो जो इसका जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि आपने यहाँ पर दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करना है, और ये प्रॉपर्टी का यूज करना है कि ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बात खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, ठीक है। अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 3/3 का, आपसे बोल रहा है कि ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो। तो सबसे पहले तो आप यह करो, आप ए का ट्रांसपोज निकालने के पहले, मतलब इनवर्स निकालने के पहले उसका ट्रांसपोज लेके रख लो कि ए का ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है ना। तो ये एक मैट्रिक्स है, आपको इसका इनवर्स नहीं निकालना, आपको इसके ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना। तो पहले इसका ट्रांसपोज ले लो। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 1 -2 3 0 -1 4 -2 2 1। बात खत्म हो गई। अब ये वो मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स आपको निकालना है, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप बी लिख लो या जो भी लिख लो, ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट कंफ्यूज मत होना। अब ए का ट्रांसपोज मेरे पास आ गया, मुझे इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए मुझे इसके कोफैक्टर चाहिए होंगे, मुझे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि अगर मुझे ए के ट्रांसपोज का इनवर्स चाहिए तो मुझे 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज और फिर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकाल के रख लेते हैं। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज होगा भाई, साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा। तो यहाँ पर अपन ने 1 रखा, तो यहाँ पर कितना होगा -1, माइनस ये कितना हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, ये 0। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 0 ही आना, टाइम वेस्ट मत करो। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका -8, और माइनस करेंगे तो ये +3, ये चीज आपकी आ जाएगी, ठीक है। एक बार आप चेक कर लो कि आपने 1 लिया तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -8, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, फिर -2 लिया तो ये हो जाएगा आपका -8, और ये --+3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में -9, ये आ जाएगा -5, और ये आ जाएगा आपका +10। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आपके पास में क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो आपके पास में भाई ये चीज तो आ गई। अब आपको क्या चाहिए, आपको एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप कोफैक्टर निकालोगे। तो आप निकालोगे C11। अब C11 जो होगा वो किसके बराबर होगा, M11 के बराबर होगा। और वो क्या होगा, ध्यान से देखो, वो क्या होगा ध्यान से देखो। तो आप ये और ये हटा दोगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दोगे, तो -1 2 -1 2 और 4 1, 4 1 इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका -1, और ये आ जाएगा 4 2 8, तो -8 सॉल्व करने पे आएगा -9। बात खत्म हो गई। फिर अगर हम C12 निकालना चाहें तो C12 जो होगा वो क्या होगा, M12 बट विथ नेगेटिव साइन। तो -9 यहाँ पर रखा, M12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -2 2, तो ये आ जाएगा -2 2, और फिर आ जाएगा 3 और 1। अच्छा बाहर -9 है, इसको भूलेंगे नहीं, बहुत बार आप भूल जाते हो। तो ये हो जाएगा आपका कितना, -2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये आपका -8 आ रहा है तो ये आ जाएगा आपका +8। फिर आपका ये C13 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, M13 हो जाएगा। तो ये आपको क्या देगा, M13 का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाया तो 2 और मतलब -2 -1 और 3 4, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -8, -3 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये सॉल्व करने पे क्या आएगा, -5 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सारे कोफैक्टर निकाल सकते हो। अब एक्चुअली में आपको क्या करना है, आपको एक्चुअली में एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लेना था। तो आप एक्चुअली में क्या करोगे कि यहाँ पर जैसे C11 है, C12 है, C13 है, C21 है, C22 है, C23 है, C31 है, C32 है, C33 है, ये आप निकालोगे और फिर आप इसका ट्रांसपोज ले लोगे। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज आ गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आप ऑलरेडी निकाल चुके थे।
आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है ये एक्चुअल इनवर्स वाला क्वेश्चन है जिससे आप डरते हो, बट इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इनवर्स पर पूछे जाते हैं और वो आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि कई बार आप किसी चीज की डर की वजह से आप बहुत ज्यादा इनिशिएट नहीं करते हैं, आप उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, बात भी नहीं करते हैं, जिक्र भी नहीं करते, पता चलता है कि यार वो तो बहुत आसान सवाल पेपर में आया था। जैसे आपने कोई सवाल मतलब आप अगर आप इनवर्स का आपको फोबिया है तो आपको इनवर्स ही दिखेगा ना सिर्फ, तो भी आप डर जाओगे, आप ये नहीं सोचोगे कि एक्चुअल में इसमें एक्चुअल मुझे इनवर्स निकालना भी नहीं है, मुझे प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज से डरो नहीं, है ना, लड़ो और उस पर जीत हासिल करो, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, इसका पूरा सोल्यूशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिए रखा है और ये आपको शेयर हो जाता है ना, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो और अपना आंसर यहाँ पर मैच कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, मजा आया होगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और अगर आप हमसे कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूँ। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।